अभी हादिया के आने से तो मेरी बहुत बड़ी टेंशन दूर हो गई है। सारा के सारे काम उससे अपने जिम्मे ले लिए हैं। ये तो है, माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। हॉस्पिटल जाने से पहले सारा के सारे काम कर लेती है, सुभान अल्लाह। खुश रहे हमेशा। अभी मैं ही गलत थी जो उसे पहचानने में गलती की। इतना सब कुछ जाने के बावजूद भी अपने सारे रिश्ते संभाल रही है। हर एक मैं, काश मैं हादिया को माँ जैसा प्यार देती, सारा को समझाती कि वो उसकी दुश्मन ही उसकी बहन है, तो सब कुछ कितना नॉर्मल होता। शायद आज सारा भी नॉर्मल जिंदगी गुजार रही होती। समीना, अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। भाभी हादी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक। भाई तुम्हारी बेटी आयशा ने ना शोर मचा के रखा, मेरी मम्मा कब आएंगी? वाकई बहुत पूछ रही थी तुम्हारा वो। अच्छा, आयशा को मत बताइएगा मैं आ गई हूँ, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? तो पता तो है, अभी सारा की मेडिसिन का टाइम है, उसको मेडिसिन दे दूँ फिर आराम से आयशा से मिलूंगी। तुम सारा को बाद में देख लेना, पहले अपनी बेटी को देख लो, कब से तुम्हारा वेट कर रही है। छोटी मामा, बहने भी तो बेटियों की तरह होती है ना, लाडली, दिल के करीब, पहले सारा फिर कोई और। माशाल्लाह, जीती रहो।